यहाँ पर दोस्तों जब से पता चला है कि सैमसंग M31S इंडिया के अंदर फाइनली लॉन्च होने जा रहा है 30 जुलाई को, उसके बाद से बहुत से लोग के मन में ये सवाल निकल के आ रहा है कि अब सैमसंग का M31S लिया जाए या फिर सैमसंग का A51 लिया जाए, क्योंकि लुक वाइज अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सैमसंग A51 की जो डिज़ाइन है वो आपको सेम आपको M31S के अंदर कॉपी कर दी गई है, लेकिन आपको स्पेक्सन के आधार पर देखेंगे तो आपको फ़र्क बहुत सारा नज़र आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम इन डेप्थ यहाँ पर दोनों फ़ोन का कंपेरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या आपको A51 लेना चाहिए या फिर M31S जो कि 30 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन कर से, तो आप देख के आप समझ सकते हैं कि यार डिजाइन में तो कोई फर्क नहीं है, ना पीछे से ना आगे से, आपको वही आपको सेम आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर चार कैमरे देखने को मिलने वाले हैं दोनों फोन में। एल शेप में कैमरा डिजाइन होने वाली है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों में पीछे में नहीं देखने को मिलने वाली है, दोनों फोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आने वाला है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको एक सिंगल पंच होल कटआउट सेल्फी का देखने को मिलने वाला है सेंटर में, और बाकी आपको काफ़ी बड़ी प्रीमियम आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं दोस्तों, दोनों फोन आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं फुल एचडी प्लस की, और डिस्प्ले में यार दोनों फोन ही लाजवाब है और अपने अपने प्राइस में बहुत शानदार है। यहाँ दोस्तों हम बात करें रैम और स्टोरेज की, तो फोन आपको दोनों का जो बेस वेरिएंट है दोनों का 6/128 देखने को मिलने वाला है, और अच्छी बात यह है कि सैमसंग भी आपको M31S के अंदर बेस वेरिएंट जो है आपको 6GB की देने वाला है और 128GB की स्टोरेज देने वाला है, जबकि आपको M31 जो था वो 6/64 के साथ था, लेकिन इस बार सैमसंग यार बहुत कमाल का ये फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है M31S 6/128 का बेस वेरिएंट देने वाला है। और वहीं आप बात करें सैमसंग का A51 जो कि आज से 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, इसकी बेस वेरिएंट भी आपको 6/128 की ही देखने को मिलने वाली है। चिपसेट की बात करें तो हमारे दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि A51 आपको 25,000 में 9611 दे रहा है और सैमसंग M31S आपको 18,000 में 9611 देने वाला है, जो कि अपने आप में कमाल की बात है। यहाँ पे कैमरे में भी दोस्तों आपको M31S आपको अनबीटेबल है। M31S के अंदर आपको चार कैमरे देखने को मिलने वाला है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है, जबकि A51 में भी दोस्तों आपको चार कैमरे ही है लेकिन आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों M31S आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ आने वाला है, सेकेंडरी आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिलने वाला है। जबकि बात करें दोस्तों A51 की, तो वहाँ भी दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस होने वाला है, यहाँ आपको फर्क देखने को मिलने वाला है, बाकी जो प्राइमरी और डेप्थ आपको सेम होने वाले हैं 5 मेगापिक्सल के। यहाँ दोस्तों बैटरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी में भी M31S आपको बीट कर देगा A51 को, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों M31S के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ फोन आता है, जबकि जो A51 है यहाँ पे आपको सिर्फ 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है और साथ में 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो वैसे 6 महीना पुराना फोन भी है और आपको M31S लेटेस्ट फोन है, तो आपको यहाँ पे बैटरी में भी दोस्तों इस फोन को कोई बीट नहीं कर सकता। OS की बात करते यार फोन OS में भी बिल्कुल सेम है, Android 10 पे आने वाला है और UI 2.0 की लेयर देखने को मिलने वाली है। दोनों फोन दोस्तों आपको टाइप सी के साथ आते हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मैक्सिमम चांस है कि M31S के अंदर देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि पीछे में नहीं है साइड में नहीं है, तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है और A51 तो खैर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता ही है। तो फाइनल दोस्तों प्राइसिंग की बात करें यार जो कि मेन मुद्दा है अभी कि आपको लेना कौन चाहिए, तो आपको M31S दोस्तों डेफिनेटली 18,000 में आने वाला है, 6/128 वाला वेरियंट होने वाला है, और जो A51 है दोस्तों अभी आपको 25,000 में दे रहा है 6/128। तो फाइनली कंक्लूजन की बात निकल के आती है कि यार कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे तो यार कोई भी आप बोल दे कि यार A51S एक बहुत आउटडेटेड हो चुका है अभी के हिसाब से, और M31S 18,000 में अनबीटेबल आने वाला है, और आंख बंद करके आप दोस्तों M31S को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे दोनों का कंप्लीट कंपैरिजन था ऑन स्पेसिफिकेशन के आधार पे, वैसे लॉन्च हो जाने के बाद दोस्तों फिर एक डिटेल कंपैरिजन में आपके लिए लेके आऊंगा, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों मैंने M31 से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, हर प्रकार के कंपैरिजन वगैरह कर रहा हूँ और करा हुआ भी हुआ, चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसे कमाल धमाल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और फ्यूचर में और ढेर सारे कंपैरिजन आने वाले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक मैंने कहीं नहीं जाए, और आप मेरे को बताया कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है A51 ज़्यादा बेस्ट है या फिर M31S, क्योंकि यहाँ पे 18,000 और 25,000 के बीच में एक लंबा गैप है, तो आपको मेरे कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा फोन ठीक लगता है, बाकी आप बताएं कि M31S के लिए आप एक्साइटेड है कि नहीं, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।